फ्रेंड राधे राधे, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो अभी टाइम हुआ है 6:40 और हम लोग जा रहे हैं, हमारे यहाँ लगती है सब्जी की बाजार नहर पे, और सब्जियाँ आप लोगों को पता चल कितनी महंगी है। हम लोग जा रहे हैं नहर की बाजार, देखते हैं नहर की बाजार पे कैसे सब लोग कहते हैं सस्ती मिलती है, चक्कर में जा रहे हैं क्योंकि भाई सब्जियाँ बहुत महंगी, दरवाजे पे तो बहुत ही महंगी देता है। और भाई वो तो देंगे ही क्योंकि वो बेचारे धूप में पूरा दिन घूमते हैं। तो हम जा रहे हैं, संजय मम्मी जा रही हैं और जा रही हैं ये वाली भाभी और जा रही है भाभी और ये भी जा रहे हैं। तुम क्या लेने जा रहे हो? क्या लेके आओगे? कुछ कहो। आम लेने जाओगे? क्या लाओगे बाजार से? क्यों? कुछ खाने के नहीं पता, देखो खाने से नहीं पता, सिर्फ घूमने क्यों जा रहे हो? घूमने जा रहे हो? बाजार जाना सीख जाओगे नानी के साथ जाते जाते। बताते हैं देर में सब्जी अच्छी मिलती है। आज हम लोग भी देखते हैं क्या है हकीकत, हकीकत देख। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाजार, बाजार यहीं से लगी हुई है। आज भीड़ नहीं है ज्यादा। अरे भीड़ ज्यादा नहीं लग रही है आज? चलो उतरो। तरोई लोग, ये अच्छी लग रही है वाली तरोई। कैसे थी भैया? 15 रुपए की लो। चलो आगे चलो, देख लो चल के। भैया शिमला कैसे दिया? शिमला हाँ 30 रुपया पाव। एक पाव दे दो। सीधी सीधी लेना नहीं, छीलने में दिक्कत होगी। पक जाएंगी, ये बड़ी बड़ी है। कितनी लेनी है? ले लो उधर। इसमें आए परवल और बैंगन, ये छोले दुकान से लेके आए, छोले खत्म हो गए थे। ये दाल, ये अदरक, कद्दू, लौकी, लौकी दो एक तुम ले लो, एक हमको दे दो। तरोई, धनिया, शिमला मिर्च और नींबू। हाँ क्या चीज? यही जो डिब्बा। अच्छा ये उसी का था ही। और ये आई है आलू। अब इनको फ्रिज में लगाओ पहले। टमाटर वगैरह भी काफी बड़ा है मेरे यहाँ। इसकी लाइट को क्या हुआ है आजकल? जल गई जल गई जल गई। टमाटर अभी खूब सारे हैं। और ये कुंदरू, भिंडी, ये डिब्बे निकालो, इनमें डाल दें थोड़ी बहुत सब्जियाँ। तो आप सभी को राधे राधे। और भी सुबह का टाइम हुआ है, 7:30 हो चुका है और मेरी पूजा वगैरह सब कुछ पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पूजा वगैरह का काम सुबह सुबह कर लूँ ना तो आराम रहती है। वैसे भी मेरा पहला काम रहता है कि झाड़ू पोछा करना और पूजा करना। बहुत लोग बाद में करते हैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, मगर मेरा पहला ये रहता कि सबसे पहले पूजा कर लो। झाड़ू पोछा हो गया, पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन है। और अभी आज सुबह नाश्ता भी नहीं बनाना है क्योंकि आज हमारा भी व्रत है एकादशी का, चाहत का भी और इनका भी। तो खाने की कोई जल्दी है नहीं क्योंकि चाहत जाएगा तो केवल चाय वगैरह पी के जाएगा। तो चाहत पहले कोचिंग जाएगा, उसके बाद जाएगा स्कूल, उधर ही से निकल जाएगा। तो उसके लिए चाय बना दी थी और व्रत वाले चिप्स बना दिए थे। बाकी मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन है। काम मेरा पूरा हो गया ख़त्म। और इधर मैंने स्टैंड लगाया यहाँ पे क्योंकि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बादल भी है, ज़्यादा नहीं हो रही है मगर
हल्की हल्की बारिश हो रही है और बादल तो चारों तरफ से भयंकर हैं। और जैसे ही बादल आते हैं ना, वैसे हवा पहले चलने लगती है। तो मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया है, फर्स्ट क्लास वाला मौसम हो गया है। अच्छा लग रहा है ऊपर ठंडा ठंडा। और जरा सा दो बूंदें क्या गिरी, लाइट गई पहले। यहाँ सबसे बड़ी ये समस्या, पानी की दो बूंद गिरी नहीं, लाइट सबसे पहले कट जाती है। मैंने मोटर चलाई थी, मुझे लग रहा था पहले पानी भर ले, क्योंकि बारिश वारिश में दिक्कत होगी। और अभी तोसी लेके आई है मेरा चश्मा, ये वाला, वो वाले पे स्क्रैच आ गए थे तो मैंने ये वाला बनवाया है, दूसरा वाला। देखते हैं इसका क्या है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अकेले गई थी बनवाने, तो कह रही आपने फ्रेम अच्छा नहीं लिया है। कोई बात नहीं, फ्रेम वगैरह चेंज ही होते रहते हैं। ठीक तो लग रहा है, ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है इसमें, उसमें ब्लू ब्लू आता था, इसमें ग्रीन ग्रीन हो रहा है। कुछ लेंस वैसे डालते हैं ना, क्योंकि गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी मुझे, इसी चक्कर में स्कूटी चलाने में दिक्कत होती थी, मेन उसके लिए मैंने बनवाया। हाय मौसम दिखता बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रही है। सभी बाहर आके बैठ गए अपने अपने दर, कोई दरवाजे पे आ गया तो कोई आके छत पे आ गया। क्या बता रही हो, हाय राधे राधे। कपड़े रह गए क्या आज, कपड़े रह गए क्या, कपड़े क्या भूल गई थी क्या। हैप्पी बर्थडे, पार्टी कब मिलेगी। हाँ मम्मी ने बुलाया नहीं, बेटा बुला रहा, मम्मी बुलाई नहीं रही। किसकी बात माने बताओ, क्यों सर कह रहे, किसकी बात माने, तुम्हारी की मम्मी की। मम्मी कह रही हमने बुलाया नहीं, तुम कह रहे हो आ जाना, क्या करे। अच्छा वो बुलाएगा तो फिर हम आएंगे, मम्मी का कौन सा बर्थडे है। मम्मी का तो चिंता ना करो, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा व्रत है आज। और सौर का बर्थडे है भाई, तो कह रहा आप आ जाना। और दीदी कह रही मैंने किसी को बुलाया नहीं, बच्चों का होता है ना, उनको लगता है सब लोग आए। तो चलिए दो बज गया है, किचन वगैरह साफ करके छोड़ दिया था, क्योंकि हम सबका व्रत है आज, मेरा चाहत का और इनका। तो कुछ बनाते हैं खाने पीने के लिए। लाइट तो भाई आ गई, फिर से आ गई लाइट। तो मैंने आलू उबाल के यहाँ रखे थे, मगर अभी आलू का कुछ नहीं बनाएंगे, अभी कुछ मीठा बनाएंगे। शाम को इसकी कचौड़ियाँ बना लेंगे, कुट्टू के आटे की या सिंघाड़े के आटे की, किसी की भी। तो फिलहाल अभी क्या बनाते हैं, सोच रहे हैं साबूदाने की खीर बना लें। चलिए साबूदाने की खीर बनाते हैं। सुबह में मैंने क्या बनाया था, चिप्स बनाए थे, क्योंकि चाह चिप्स लेके गया था और इसमें मूंगफली के दाने तले थे। तो ये कढ़ाई हटा देते हैं और पहले बनाते हैं साबूदाने की खीर। भीग रहा है साबूदाना, जो मैंने करीब 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये लिया है मैंने 2 पैकेट दूध अमूल का फुल क्रीम। तो चलिए इसको चढ़ाते हैं गैस पे। तो जब तक ये उबलेगा तब तक थोड़े से मेवे काट लेंगे, क्योंकि हम चाहत लोग तो खा लेते, तो उसी मेवा खाती नहीं है, तो अपने वाली खीर में तो डालेंगे मेवा, उसके लिए निकाल देंगे बिना मेवे की थोड़ी सी, और अपने वाली खीर में डाल लेंगे, क्योंकि तोसी बिल्कुल नहीं खाती मेवे वाली खीर। तो ये रखी हुई मेरी फ्रिज में रखी हुई थी मेवा, इसको निकाल लेते हैं। मुझे बड़ी पसंद है खीर में मेवा, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और तोसी बिल्कुल नहीं खाती। थोड़ा सा नारियल लेंगे, थोड़े बादाम, थोड़ी सी किशमिश, और इन सब चीजों को अच्छे से काट लेंगे। एक तक दूध बॉइल होगा तब तक इनको लंबा लंबा काट लेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती मेवा, तो उसे पता नहीं क्यों नहीं कहती, जिस मतलब किसी भी चीज में आप डाल दोगे मेवा तो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो मेवा मेरी हो गई रेडी। नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि चाहते मुंह में न जाए, हो सकता है ना खाए। और किशमिश और बादाम, बस इतनी मेवा डालूंगी। तब तक मेरा दूध भी उबलने वाला है, तो इसमें डाल दिया साबूदाना और इसको थोड़ा सा चला देंगे, ताकि ये तली में चिपके ना, कभी कभी चिपक जाता है ना जाके। और गैस कर दिए मैंने धीमी, धीमे धीमे पकता रहेगा।
तो मैंने निकाल लिए आलू, सोच रही हूँ थोड़े से आलू भी बना दूँ, हो सकता है उसका मीठे खाने का मन हो, जो उबली रखी है तो थोड़ी सी बना दूँ, क्योंकि नमक तो हम भी खाते हैं, कलसी में बहुत से लोग नहीं खाते हैं मगर हम तो खाते हैं, क्योंकि एक तो मुझे बीपी की दिक्कत है तो मुझे तो नमक खाना है, अगर मुझे नमक नहीं मिलता ना पूरा दिन तो फिर दिक्कत होती है, तो नमक तो खाते हैं तो सोच रहे थोड़े आलू भी बना दें तो अच्छे से खा लेगा, क्योंकि अभी उसका परसों भी व्रत था, सावन का सोमवार भी वो रखा था व्रत, सावन का सोमवार तो तोशी भी रखी थी, मगर तोशी भी एकादशी नहीं रखती है और चाहत ने एकादशी भी चालू कर दिया, उसकी हो गई पाँच छः महीने से वो भी रख रहा है कंटिन्यू, तो सोच रहे हैं आलू भी बना दें, क्योंकि सुबह कुछ ज़्यादा लेके नहीं गया था, केवल चाय दूध पी के गया था, थोड़ी सी चिप्स खा गया था, तो अब 3 बजने वाला है धीरे धीरे करके, तो फिर भूख भी उसको लगी होगी, क्योंकि वहाँ से आके वो फिर कोचिंग चला जाएगा, फिर आएगा 8 बजे, तो इससे अच्छा है कि पहले आलू भी बना दो तो पेट भर के खा लेगा, इस चक्कर में मैंने सोचा चलो साथ के साथ में आलू भी बना देते, खीर बन जाएगी, आलू बन जाएगी, अगर बोलेगा तो पूरी भी सेक देंगे, नहीं तो फिर पूरियाँ शाम को सेकेंगे जैसा उसका मन होगा, क्योंकि बाकी इंतजाम तो मैंने पूरा कर लिया है, अपने लिए होता है ना अकेले के लिए तो कुछ मत बनाओ, मगर चाहत व्रत रखता है ना तो फिर लगता है बना लो, क्योंकि अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो वो भी बेचारा भूखा रह जाएगा, इस चक्कर में मैंने सोचा चलो आलू भी बना के रख देते हैं व्रत वाले, और उसको भी अच्छे भी रखते हैं, आलू बनेंगे तो तोशी भी खाएंगे जरूर, व्रत नहीं है मगर व्रत वाले आलू उसको भी बहुत पसंद है, सबको पसंद होते हैं मेरे हिसाब से, व्रत वाले आलू अच्छे लगते हैं, कभी कभी बिना मसाले का भी ये सब अच्छा लगता है खाने में, तो आलू मेरी छिल गई, इनको छोटा छोटा काट लेते हैं, और टमाटर, और ये नमक सेंधा नमक है जो मैंने बना के रखा है व्रत वाला, इसमें जीरा है, लाल मिर्च है और नमक, 3 चीज़ें हैं, क्योंकि अलग से हरी मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें जो मिर्च है ना बहुत तीखी है, और ये आ गया मेरा व्रत वाला जीरा जो मैंने इसमें करके रखा है, तो चलिए सोच रहे हैं आलू भी बना लेगा, बोलेगा तो पूड़ी भी सेक दूंगी जैसा वो बोलेगा, आलू तो बना के चलेगी तो अंधेरा आ रहा है, इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है घी, और उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हो, मगर जो मैंने पीस के रखी है ना नमक में वो बहुत ज़्यादा तीखी है, तो बहुत ज़्यादा तीखे आलू हो जाएंगे, इस चक्कर में मैं नहीं डालूंगी हरी मिर्च, तो ये डाल दिया मैंने जीरा, जीरा मेरा अच्छा से चटक गया है, तब इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर के साथ ही जो मैंने नमक बना के रखा था व्रत वाला वो भी डाल देंगे, तो टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे और मिर्च थोड़ा थोड़ा भून जाएगी इसमें, क्योंकि चीज मेरी अच्छी से पक चुकी है, तो मैंने लिया है ये 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, गर्म पानी या गर्म दूध डाल दो ना तो फिर वो हो जाता है भूखी या लस्सी पड़ जाती है, तो ये मैंने मिलाया कस्टर्ड और थोड़ी इसमें डाल देंगे, फिर में कस्टर्ड अच्छा लगता है, कलर भी अच्छा आ जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है, तो मैंने इसमें डाल दिया कस्टर्ड पाउडर, और इसी साथ डाल देंगे इसमें जो मैंने मेवा काट के रखी थी सारी मेवा इसमें डाल देंगे, और इसको करीब 5-7 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे पकने देंगे, ये अच्छे से पक चुकी है, देखिए बढ़िया हो गई है, अब इसमें डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार, जितना आपको मीठा खाना हो, मुझे ना बहुत ज़्यादा ये थी ना बहुत कम इसकी तीखी अच्छी लगती है, भी थोड़ी अच्छी लगती है ना, बहुत मीठी अच्छी लगती है ना, बहुत तीखी अच्छी लगती है, इसके बाद फिर इसको 5-7 मिनट से पका लेंगे, हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, तो अब डाल देंगे इसमें आलू, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे,
और ढक के इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इधर खीर मेरी है बनके बिल्कुल रेडी। अभी थोड़ा सा एक गाढ़ी और हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होगी ना वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और इसको रखते हैं ठंडे के लिए। तब तक आलू बन जाएंगे, उसके बाद भगवान का भोग लगा देंगे इसी से। खीर भी मेरी बन गई और आलू भी बन गए। पूड़ियाँ उनके ऊपर डिपेंड करता है, खाएंगे तो बनाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं बनाएंगे। तो धनिया भी डालनी बाकी है कि थोड़ा सा टाइम बचा है आलू में। और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, बंद हो गई है जहाँ थोड़ी सी होके, मगर लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही है, पूरा अंधेरा हो गया। कितना इन्वर्टर से चले, नीचे के भी पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, ऊपर के भी। आजकल चार्ज ही नहीं हो पाता, इतनी बार लाइट जाती है ना, जरा सी हवा चली, दो बूंदे भी पड़ी ना, तो सबसे पहले लाइट ही जाती है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ की विशेष समस्या है। और ये मैंने जो व्रत वाला नमक था उसको इस जार में भर के रखना है, छोटे वाले व्रत वाला पूरा अलग रख दो ना तो सही रहता है। जीरा भी अलग कर देते हैं। ये नमक से ये रहता है ना कि बार बार हरी मिर्च नहीं काटनी पड़ती व्रत वाली, क्योंकि जब काट के डालो मुंह में आती है, और कोई कोई ऐसी तीखी मिर्च होती है ना कि मुंह में आती है तो कान तक धुआं निकलता है पूरा। बल्कि है ये भी मिर्च बहुत कड़वी, बहुत कड़वा है ये मिर्चा मेरा, मैं दरवाजे लिया था ये बहुत कड़वा। तो चलिए भैया मेरा काम हो गया पूरा। आप लोग व्रत में एकादशी के व्रत में क्या क्या खाते हो कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग नमक खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। पहले बहुत दिन तक मैंने भी नहीं खाया व्रत में नमक अमक, मगर अब मजबूरी है क्योंकि मुझे दिक्कत होने लगती है, अब व्रत तो करना ही करना है। बड़े अच्छे लग रहे हैं आलू देखने में। जब तक आलू भून रहे हैं बाहर का नजारा देख के आते हैं क्या है। बारिश तो बंद हो गई, बहुत धीमे धीमे एक दो बूंदे पड़ रही हैं। बादल भी कम हो गया पहले की अपेक्षा, मगर अभी थोड़ा थोड़ा बूंदे पड़ रही हैं। मौसम हो गया मज़ेदार, कितना बादल कितना आया था सब चला गया। बस यही होता है, बादल आता है, हवा चलती है, बादल गया, बारिश नहीं हो रही हमारे यहाँ, ये समस्या है। आलू मेरे हो चुके अच्छे से फ्राई, अब डाल देंगे इसमें भुने हुए मूंगफली के दाने। आलू में मूंगफली के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद डाल देंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया। तो ये मेरे बन गए व्रत वाले आलू। तो आलू मेरे बन गए और इसी कलम कढ़ाई में ही छोड़ दूंगी, क्योंकि इनका भी फोन आ गया है, ये भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ में पूरी बना लेते हैं, सब लोग बैठ के खा लेंगे। तो पूरी बनाने के लिए लिया है मैंने सिंघाड़े का आटा और एक आलू या कद्दूकस कर लिया है, इसमें डाल देंगे ये सिंघाड़े का आटा, क्योंकि ये पूड़ियाँ तुरंत बनानी होती है। अगर ये आटा गूंथ के रख दोगे आप तो एकदम गीला हो जाएगा, फिर बनेगा ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो जो आ ही रहे हैं सब लोग तो साथ में ही खा लेंगे, क्योंकि ये तो शाम को खाना वैसे भी नहीं खाते हैं, तो आ रहे हैं तो इसी टाइम इनका भी हो जाएगा। इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। आलू में गूंथ जाता है, थोड़ा बहुत पानी भरे लगे, क्योंकि पानी नहीं डाल ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर डालें तो भी बहुत सावधानी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी गीला होता है। पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालें, नहीं तो ये फिर बनेंगे नहीं। ये लग गया मेरा आटा, इसको रखते साइड में। मैंने जिसमें तले थे चिप्स उसी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसी में पूड़ियाँ बना लेंगे। पिता चढ़ा दिया मैंने अपना घी और उसके बाद बनाते हैं पूड़ियाँ। आज ऐसा हुआ ना कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा खाना बन गया है, आज व्रत वाली पूरी थाली बन गई। ये ऐसी थाली ना कि आप इस समय सावन का सोमवार चल रहा है, आप उसमें भी बना के आराम से खा सकते हो। हम लोग तो शायद दोनों लोग सावन का सोमवार तो नहीं रखते हैं, मगर चाहत और तोसी रखते हैं सावन के सोमवार। हम लोग केवल एकादशी रखते हैं दोनों लोग,
लाइट हमारी जाने कहाँ खो गई, नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, ना आए काम कहाँ रुकना है। तो चलिए इनको छोटे छोटे नींबू के आकार की गोली बना लेते हैं, गोले, और इनको हाथ से बनाएंगे क्योंकि ये बेलन से तो बनती नहीं है, सबको पता होगा, जो मुझे पता है सबको पता होगा। भगवान जी का भी इसी का भोग लगा देंगे। एक एक करके आज सारी चीजें बन गई, आज कान्हा का पूरा खाने का मन है। ऐसा होता है कभी कभी, कान्हा का जब मन होता है ना करवा लेते हैं अपने आप काम, उनका सब्जी खीर पूरी पूरा खाने का मन है। चलिए कोई बात नहीं, उनका पूरा खाने का मन है तो पूरा बन जाएगा। और पसीने देखो कैसे आ रहती है, जब तक गर्म हो रहा है थोड़ा उसके बाद बनाए, बहुत गर्मी लग रही। मुझे जब गर्मी लगती है तो मैं 10 मिनट के लिए ऐसे पंखे के नीचे आती हूँ और उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ। ऐसा कौन कौन करता है, बहुत लोग करते हैं। कभी कभी रोटियाँ बनाते हैं, 2 रोटी बना के फिर पंखे के नीचे आते हैं। और थोड़ी सी बारिश हो गई है तो उमस ज़्यादा ही बढ़ गई है, बहुत भयंकर वाली उमस हो रही है। भैया गर्मी ना मनाए, पहले खाना बना के रख दें क्योंकि सब आने वाले, सब कब चाट का भी टाइम हो गया और इनका भी फोन आ गया। आज तो बनाते हैं पूड़िया, हाथ पे लगाया थोड़ा सा घी क्योंकि ऐसे हाथ पे चिपकती नहीं है। आप पराठे के तरीके भी इनको बना सकते हैं, अगर कमाल में बनानी है। ये बन गई मेरी पूड़ी, चलिए डालते हैं इसको इसमें। बन गई मेरी व्रत वाली थाली, आलू की सब्जी और साबूदाने की खीर, और ये बन गई सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। तो कैसी लगी आपको ये सब्जी पूड़ी और खीर की रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बारिश हो गई है फिर से स्टार्ट, बहुत तेज नहीं हो रही मगर हो रही है, धीमे धीमे करके हो रही है। ऐसे ही होती रहे ना तो ठंडा हो जाए मौसम, इतनी बारिश भी अगर होती रहे ना तो अच्छा खासा मौसम ठंडा हो जाएगा। चाहत की टीवी भी चालू हो गई, चाहत आ गए, सबका खाना पीना हो गया। अंधेरा कितना हो रहा है, लाइट की वजह से लाइट नहीं आ रही है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पर। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज थोड़ा थोड़ा करके पूरी व्रत वाली थाली बन गई, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे।